अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से होने वाले नेशनल टैलेंट सर्च 2022 के बारे में आपने या तो देखा होगा या सुना होगा। ये कॉम्पिटिशन सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कॉम्पिटिशन का बेसिक मकसद है कि बच्चों में कॉम्पिटेटिव स्पिरिट को बढ़ाया जाए और पूरे मुल्क से जहीन और टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उनको आगे उनके करियर में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। सीनियर कॉलेज यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो 13 नवंबर को, जूनियर कॉलेज यानी 11th 10th 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम 20 नवंबर को और स्कूल स्टूडेंट्स यानी स्टैंडर्ड 8th 9th एंड 10th इसका एग्जाम 27 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये कॉम्पिटिशन एक स्पेशली डिजाइंड मोबाइल ऐप पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है एएमपी वर्ल्ड। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, एएमपी वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर अपने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करें। इस ऐप के जरिए ना सिर्फ एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा बल्कि इस ऐप के जरिए पूरे मुल्क के जितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन हैं इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में इनको जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार प्रोवाइड की जाए, जैसे कि स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, करियर गाइडेंस, मेंटोरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एडमिशन अलर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स तक जो है, इन टीचर्स तक इसी ऐप के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। इस कॉम्पिटिशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें से जो टॉप 2000 स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा ताकि उन स्टूडेंट्स को नीट और जेईई की प्रिपरेशन की कोचिंग जो है के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके। हमारे साथ बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स, मुल्क के जो बड़े नामवर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं नीट और जेईई के, उन सब लोगों ने, वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब हमारे पार्टनर बने हैं और उन्होंने इन टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की है। ये एक तरह से जो है पूरी कम्युनिटी का एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जैसा बन गया है और ये आगे और ग्रो होगा जिसके जरिए हम मुल्क के कोने कोने तक बच्चों तक पहुंच पाएंगे और टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको स्कॉलरशिप दे पाएंगे और उनको सही करियर ऑप्शंस तक पहुंचा पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद कैश अवार्ड्स हैं एएमपी की जानिब से। उसके बाद जो इसके अंदर डिजर्विंग और मुस्तहिक स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एएमपी के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म indiazakat.com के जरिए स्कॉलरशिप दी जाएगी टॉप 200 स्टूडेंट्स को और पार्टिसिपेट करने वाले सारे स्टूडेंट्स को ई सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए एनकरेज करें, खासतौर पर स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और जो लोग भी एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनसे जो है उन तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो एक तो अपने स्टूडेंट्स को खुद को रजिस्टर करने की कोशिश कराएं, एनकरेज करें, दूसरे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी अपनी सिटी में जितनी ज्यादा स्कूल्स और कॉलेज तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाने का काम करें। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा मिशन है, ये एक बहुत बड़े एम के साथ और विजन के साथ इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर सभी लोगों ने इससे मदद की इंशाल्लाह तो मुल्क के हर हिस्से से हर बच्चा इस कॉम्पिटिशन के साथ जुड़ पाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।